यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट फोर रैशनल नंबर। हाउ मैनी नंबर? फोर रैशनल नंबर आपको बताने हैं, और फोर रैशनल नंबर में बताना है इक्विलेंट, इक्विलेंट बताना है, ठीक है। तो इक्विलेंट का मतलब है कि आपको इक्वल, जब भी आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो तो भी आपका इक्वल आना चाहिए। मीन्स अगर 2/9 आपको गिवन है तो फोर इक्विलेंट क्या हो जाएंगे, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मीन्स 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 2/9 सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27। अगेन करेंगे, 2/9 आपको गिवन है, 4/4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 9 4 जा 36। अगेन 2/9 लिखेंगे एंड सेम नंबर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 9 5 जा 45। तो ये आपकी क्या आ जाएंगी, फर्स्ट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो के ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगेन आपको ऐसे ही करना है, 6/13 या सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट निकालना है तो 6/13 एंड 3/3, 6/13, 4/4, 6/13, 5/5, क्योंकि आपसे फर्स्ट फोर पूछा गया है, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो कितना जाए, 6 2 जा 12 एंड 13 2 जा 26, 6 3 जा 13 3 जा 6 4 जा 24, 13 4 जा 52, 6 5 जा 30, 13 5 जा 65, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे आपको ए और डी पार्ट समझा दिया, बाकी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहा गया बच्चे आपसे, क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो मैंने अभी पीछे बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, आप इसको क्या करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। मीन्स आपको 15/20 गिवन है तो क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, 5 से हो रहा है दोनों, सेम नंबर के साथ कट हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, क्या आ जाएगा, 3/4। नेक्स्ट क्या आपके पास, 64/72। अब क्या है, क्या दोनों 8 के टेबल में आते हैं? देखो जरूरी नहीं है बड़े नंबर से ही करो, अगर आपको डायरेक्ट बड़े नंबर से नहीं करना आता है रिमूव, तो आप इसको स्मॉल लेटर से 2 से भी कर सकते हो, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 से हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप 2 से भी कर सकते हो, ऐसे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो, 2 8 जा, 2 9 जा, तो क्या आ जाएगा, 8/9, ठीक है। मैं बड़े नंबर से कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप भी किसी बिग लेटर से ही करो, आपकी मर्जी, आप किसी भी स्मॉल नंबर के साथ कर सकते हो। फिर आपको गिवन है, देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पे है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब किससे हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से हो रहा है, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, तो क्या आ जाएगा, 6/7, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इन सब की, ठीक है। इसी तरह से आपको इसकी भी निकालनी है, इसकी भी निकालनी है, हर एक की निकालनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है, मीन्स आप इसको मोड में रख देते हो, मोड का मतलब जो पॉजिटिव हो, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी, 17/24 है तो इसकी एब्सोल्यूट क्या वैल्यू हो सकती है, 17/24 की 2 वैल्यू हो सकती है किसी भी नंबर की, लाइक अगर 17/24 है, इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है एब्सोल्यूट, एंड इसकी ये भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों हो सकती है, क्योंकि जब भी मैं मोड में रखूँगी तो इसकी वैल्यू मोड में रखने के बाद सेम आएगी 17/24, और इसको मोड में रखूँगी तो भी वैल्यू आपकी क्या आएगी, 17/24, ठीक है। तो ये दोनों हो सकती है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इसकी क्या हो जाएगी, -6/35 की क्या हो जाएगी, 6/35, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट होगा माइनस से माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका 11/17, 0 की 0 रहेगी,
28/45 मीन्स आपको जो नेगेटिव साइन है उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। नेगेटिव साइन को क्या करना है, रिमूव कर देना। ओके, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। देखो जब भी कंपैरिजन की बात हो क्वेश्चन नंबर 4 में और डेसिमल में आपको वैल्यू ना गिवन हो तो आप इस तरह से करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये ग्रेटर और लेसर या इक्वल का साइन आपको लगाना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -8 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, यहाँ पे फिल इन द जो भी ब्लैंक्स आपको गिवन है, 15 × -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 0 जा 8 0, 8 3 जा माइनस का साइन, या ब्लैंक्स लिखेंगे यहाँ पे कितना जाए, 7 5 जा, पहले तो माइनस लिखेंगे, 7 5 जा 35 3, 7 1 जा 7 और 3, ठीक है, -1/5। अब आप देखो माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होती है ना, जितनी स्मॉल होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, इट मीन्स कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी स्मॉल होती है, याद रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू आपको गिवन है, डेसिमल में जब भी वैल्यू आपको गिवन होगी तो आप या तो सेम कर सकते हो, इसको पहले कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन के अंदर, या फिर क्या कर सकते हो आप, सेम यहाँ से मल्टीप्लाई करो, इस वाले को सोल्व करो, ठीक है। ये डेसिमल है, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो -8:1/4 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32 + 1, 33/4 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 कितना बचा आपके पास, ओनली वन। देखो मैं ऐसे करके बता रही हूँ, 4 से करेंगे, 4 8 जा 32, 1 पॉइंट लगेगा, 0, 4 2 जा 8, अगेन 2 0, 4 5 जा 20, इट मीन्स क्या आ रहा है आपका सोल्व करने पे, 8.25, क्या रहा है, 8.25। तो यहाँ पे लिखेंगे -8.9 और यहाँ पे लिखेंगे -8.25। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है -8 -8 दोनों तो इक्वल है, पॉइंट के बाद देखते हैं, यहाँ पे 0.25 है जबकि यहाँ पे 0.9 है, तो ये बड़ी हो गई देखने में, ये बड़ा लग रहा है लेकिन माइनस है, तो ये क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, इट मीन्स कौन सा ग्रेटर रहेगा, दिस वन, ठीक है। अपने माइंड में ये सेट कर लेना, वैसे देखना नेगेटिव है देखने में ये बड़ा है, इट मीन्स ये छोटा रहेगा, ठीक है। नेगेटिव में वैल्यू बड़ी होती है लेकिन वो छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आई होप आपको समझ में भी आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे सी पार्ट आपको गिवन है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेजर है, तो उसमें 17/40 आपको गिवन है, यहाँ पे डेसिमल में गिवन है, तो आप इस वाले को डेसिमल में चेंज कर लीजिए, और डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 40 से हम करेंगे, यहाँ पे 17 है तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ओनली 2 डिजिट है, और यहाँ पे जो 2 डिजिट है वो ग्रेटर है, तो इस वजह से, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया है। अब कितने पे ले जाएंगे, 4 4 जा 16, 160 हो गया, 0 7 - 6 1 डिडक्ट करेंगे तो 10 आपके पास आ जाएगा, अगेन कितना आया आपके पास, 1 0 पुट कर सकते हो, 4 2 जा 42 जा 80 लेस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 20, देन 45 जा 200, ठीक है। इस तरह से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, जो ये 17/40 था डेसिमल में चेंज किया तो क्या आया, 0.425 ब्लैंक, 0.519। अब आपको अलग से पता चल रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, ओके। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको बताना फाइंड एक्स, सो दैट आपको इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन में, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स -2/15 = 16/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, सोल्व करेंगे तो -2x = 16 × 15, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 16 × 15 - 2, 2 1 जा 2 8 जा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 × 15, ओके। और ये जो माइनस है ये -1 है आपका, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 8 5 जा 40,
0 4 8 1 8 4 120, और ये -1 है। मैंने बताया था डिनोमिनेटर को कभी भी नेगेटिव नहीं रखना है, तो ये क्या हो जाएगा -120। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -120। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है, आपको एक्सप्रेस करना है 19 -5 एज रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 57। न्यूमरेटर 57 होना चाहिए। अब देखो आपको गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, ये जो नेगेटिव गिवन है इसको पॉजिटिव में करना है। मीन्स 19 -19/5 यहाँ पे आप कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, न्यूमरेटर 57 करना है, 57 करना है, और डिनोमिनेटर का हमें नहीं पता है, इट्स ओके। लेकिन आप देखो 57 पॉजिटिव आ रहा है आपका। ठीक है, 57 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आप ऐसा करिए, यहाँ पे रहने दीजिए, इसको पॉजिटिव रखिए, इसे नेगेटिव ही रखिए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा वैसा हो जाएगा आपके लिए, बाद में आपको नेगेटिव से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो इसको यहाँ पे एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब 57 आपको लेना है। अब आपको पता है 19 के टेबल को मैं कहाँ तक ले जाऊँ कि मेरे पास 57 आ जाए। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो जो भी नंबर आपको गिवन होता है ना उसको डिवाइड कर लीजिए अगर ये, ठीक है, सामने वाले नंबर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दीजिएगा। तो कितने पे जा रहा है, 3 पे, तो इट मीन्स यहाँ भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ भी 3 से, तो क्या आ जाएगा 5 3 -15 आपके पास आ जाएगा, और 19 3 57। ओके, तो ये आपको करना था। सेकंड है आपका डिनोमिनेटर क्या बोला गया, 20 होना चाहिए, डिनोमिनेटर मस्ट बी 20। अब देखो डिनोमिनेटर होना चाहिए 20, आपको गिवन है 19 -5, तो डेफिनेटली सी बात है उन्होंने बोल दिया डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं बोला पॉजिटिव बोला। इट मीन्स मैं क्या करूँगी, यहाँ किसी नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 5 4 20 मीन्स -4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, है ना, तभी तो पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, 5 4 20 19 4 4 9 6 मतलब 36, 3 4 1 4 और 3 7 माइनस का, इट मीन्स क्या हो जाएगा -76/20। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो भी जिनमें आपको डाउट हो सकता है, मैंने वे सभी पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, तो आप अच्छे से कीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।